अभी तक आप लोगों ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पोल खोलते हुए एक आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला को देखा कि किस तरह से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पोल खोल के रख दी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंसी हुई नजर आ रही। लेकिन अब जो है यूपी गवर्नमेंट की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर, और इनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और इन्होंने जो है जो यूपी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ एक तरीके से पूरी तरह से जंग छेड़ रखी है। आपको बता दूं कि जो सूर्य प्रताप सिंह हैं, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इनके द्वारा कुछ दिन पहले कई वीडियो शेयर किए गए थे जो कि कोविड पेशेंट को लेकर थे। साथ में ही उनके द्वारा बताया जा रहा था कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है यूपी में कोविड को लेकर, और इसकी वजह से उनके ऊपर एक FIR दर्ज कर दिया गया। सूर्य प्रताप सिंह जो हैं आईएएस ऑफिसर, उनके ऊपर जो है योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक FIR दर्ज कर दिया गया है। अब उस पर क्या कार्रवाई होगी वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन इनके द्वारा इनके ऊपर एक कार्रवाई की गई। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इनके द्वारा एक फोटो शेयर की गई, उसके बाद भी ये लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में जो भी चीज़ें गलत हो रही है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहेंगे। तो सूर्य प्रताप सिंह ने एक फोटो शेयर की है, आप देख सकते हैं, ये जो है जलौना जिला के उरई के सरकारी मेडिकल अस्पताल में एक जिंदा आदमी को कोरोना बताकर सरकारी डॉक्टरों ने उनकी आँख और किडनी जो है निकाल ली, इनके द्वारा ये शेयर किया गया है। आपको बता दूं ये न्यूज़ जो है दैनिक भास्कर में भी छापी गई है, आप देख भी सकते हैं, ये जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर भी ये छापी गई है, जिसमें सीधा सीधा बोला गया है कि जलौना जिले के जो उरई एरिया है वहाँ से एक आदमी की मतलब उसका जो है किडनी और आँख दो के दोनों चीज़ निकाल ली गई, और जब उनकी जो सिस्टर हैं जिनकी जिनके साथ में ये सारी हरकतें की गई, जब उनकी हरकत उनकी सिस्टर ने इस चीज़ पर सवाल उठाया और उन्होंने पूछा कि आखिरकार उनकी आँखें कहाँ गायब हो गई, तो इस बात पे जो CMO हैं, जो CMO हैं उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं, मॉर्चरी रूम में बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों ने उनकी आंखें जो है कतर ली। तो आप सोच सकते हैं इंसानियत के नाम पे इन्होंने मजाक बना के रख रखा है पूरी तरह से। अब बोल क्या, इनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है कि चूहे बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उन्होंने उनकी आँखें जो है कतर दी होगी, या आँखें जो है काट के खा गए होंगे। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से हद कर दी है। और साथ में आपको बता दूं कि जो यूपी के गाजीपुर एरिया में आप लोगों ने सुना होगा कि कई बॉडीज जो है वो तैरती हुई मिली, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज, मैंने इस पर रेड कलर इसलिए लगा दिया है क्योंकि जो YouTube क्या है उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसकी वजह से मैं पूरी बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे लाशें बहती हुई दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है अभी तक इस पे जो है जांच एजेंसी शायद जांच कमेटी बैठाने की बात की गई है। अब देखते हैं इस पे क्या जांच होती है क्या नहीं, लेकिन जहां जो अभी तक अपडेट आ रही है इसमें यही बताया गया है कि एक कोविड के पेशेंट थे जिनकी उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको जो है नदी में फेंक दिया गया, गंगा नदी में। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर ये इसमें कितना परसेंट सच्चाई है, लेकिन ये जो सूर्य प्रताप सिंह हैं जो कि एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, इनकी तरफ से लगातार योगी गवर्नमेंट की पोल खोली जा रही है और लगातार ये जो है उनके खिलाफ खड़े हैं, जबकि इनके ऊपर जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो या उद्धव ठाकरे को, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जहाँ पर जो गलत हो रहा है उसको दिखाना जरूरी है। अभी तक जो उद्धव ठाकरे थे उनकी तरफ से भी यही कार्रवाई की जा रही थी, जितने भी IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर जब उनकी पोल खोलते थे उनके ऊपर क्या किया जाता था, कार्रवाई कर दी जाती थी। आपने देखा परमवीर सिंह ने उनके खिलाफ पोल खोलना स्टार्ट किया था, परमवीर सिंह के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। रश्मि शुक्ला है, उन्होंने पोल खोलना स्टार्ट किया था, रश्मि शुक्ला के ऊपर कार्रवाई की कर दी गई। अब जो है योगी के गवर्नमेंट में वही चीज़ें हो रही है, जब ये IAS ऑफिसर जो सूर्य प्रताप सिंह है इनके द्वारा जब कार्रवाई की गई, इनके द्वारा जब लगातार उनकी पोल खोलना स्टार्ट कर दिया गया तो इनके ऊपर भी कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से ये गवर्नमेंट कभी चाहती ही नहीं कि इनकी पोल खुले, चाहे ये कितनी भी है ज्यादा ये पूरी तरह से एक्सपोज क्यों ना हो जाए। आपको बता दूं कि ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है योगी हटाओ देश बचाओ, ये पूरी तरह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अब आखिरकार इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो गंगा में जो नदियों में जो ये लाशें बह रही हैं, यही एक मेन रीजन है कि जो गवर्नमेंट का जो मीडिया चैनल पे जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, और जो अंदर की बात है वो कुछ और है।
तो हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि सीएम कौन है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे ये अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो फर्क पड़ता है कि अगर आप गलत हो तो मीडिया जो है उसको उसको गलत को दिखाना चाहिए, ना कि आपको आपकी तारीफें करनी चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है, जो ये बॉडी जो लाशें बह रही हैं इन सब चीज़ों को देखकर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। और सूर्य प्रताप सिंह ने जो इस तरह का एक्सपोजर जो पब्लिक के सामने ला रहे हैं, और साथ में ही पूरी तरह से ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो खड़े हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।